अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीकेंड वीडियो। हम लोग आए हैं नैंडोज पे खाना खाने के लिए क्योंकि मून भाई को बहुत ही ज़्यादा किस्म की लगी लग रही थी और कुछ मान नहीं रहा था खाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा नैंडोज चलते हैं और अपना खर्चा ही करते हैं, इनको साइड पे रखते हैं। फिर इनके खर्चे में अगर हम लोग भी चख लें तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बुरी बात है, फिर टोटल बिल डिवाइड होगा, यही हो सकता है। टोटल बिल डिवाइड तो नहीं होना चाहिए, भूख तो आपको ज़्यादा लगी है यार। देखे फिर जब आपने केयरिंग करनी है, टेस्ट करना है, तो उसके पैसे तो पड़ेंगे। टेस्ट करने के तो कहीं पे पैसे नहीं होते, यहाँ पे हैं। यहाँ पे भी नहीं होंगे, यहाँ पे जरूर होंगे इंशाल्लाह। इस बात पर नाकी भाई नज़र डालेंगे। नाकी भाई जी सर, क्या कहते हो आप? डिपेंड करता है कि आप टेस्ट कितना कर रहे हैं। नाकी भाई की राय मैटर नहीं करती, अगर कुछ मैटर करता है तो वो है मून भाई का ओपिनियन, क्योंकि पैसे मून भाई ने देने। इसलिए आज के वीलॉग में मैं मून भाई के ऊपर लाइमलाइट रखूँगा कि पूरी वीडियो में सिर्फ मून भाई नज़र आएंगे। बेहतरीन है भाई, खाना ज़रूरी है, खाने के बाद बहस ज़रूरी है। तो हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं? हम इस टाइम ऑर्डर करेंगे फुल चिकन। अच्छा, उसके साथ होगी दो रेगुलर साइड, ठीक है, और साइड में हम एक कर रहे हैं चिप्स और एक कर रहे हैं, ठीक है। इट्स 2400, जब तीन पे डिवाइड होगा तो फिर आप आगे देखिए। उम्र भी आ रहा है ना। ओके, जब फोर पे डिवाइड होगा तो 600 सबको पड़ जाएगा, काफ़ी है, ठीक है। ठीक है, प्लस एक ड्रिंक भी होगी या दो ड्रिंक्स होंगी तो उसके पैसे भी आ जाएंगे। मेरी और मून भाई की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है, मून भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे पता है, मुझे उम्मीद है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि मून भाई मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे। देखिए पैसे तो मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन ट्रांसफ़र करवा लूँगा। पैसे तो अपने आप से भी मांगूंगा। आप सादा भी करवा लेंगे हमसे? यस। चलें जी, हम ऑर्डर करते हैं और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मिलते हैं। अच्छा यार, तो इस टाइम पे जिस तरह के मुल्क के हालात हो गए, तुम लोग क्योंकि आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो, आईटी इंडस्ट्री के अंदर तो फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। बिल्कुल, इस टाइम यार देखो जो आपका चीज़ चल रही है वो आपकी आईटी इंडस्ट्री चल रही है, बाकी जिस मर्जी इंडस्ट्री में देखो अगर लोग तीन जॉब करके भी लाख रुपया नहीं कमा रहे, और एक आईटी वाला एक छोटी सी बीचे वाला भी आपका 1.5-2 लाख ही दे रहे हैं, तो क्योंकि भाई वो डॉलर में पैसे आ रहे हैं, डॉलर में सारी चीज़ें चल रही हैं, कंपनियाँ सेवा चल रही है, आई टी के अलावा तो कोई चीज़ रही नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना 10,000 एम्प्लॉई ले ऑफ किया, फेसबुक ने किया, फिर ट्विटर ने किया, अमेजोन भी करने लगा ले ऑफ, हाँ देखो वो तो यूएस के क्राइसिस चल रहे हैं ना सारा, हाँ, और उसका बेनिफिट पाकिस्तान में डेफिनेटली होगा क्योंकि वो जो उन्होंने ले ऑफ किए हैं, सारी चीज़ें की हैं, उनको कवर करने के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए, और आजकल ये रिमोट रिसोर्सेज और यहाँ पर कंपनी को आउटसोर्सिंग ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनका वो जो बजट है वो चीज़ें वो कम है, ये क्या लगता है कि आगे पाकिस्तान का फिर क्या फ्यूचर होगा किसी भी इंडस्ट्री में? जैसे काफ़ी लोग पाकिस्तान छोड़ के भी जा रहे हैं, तो वो इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे जो एक आम बंदा है जो एक्सपेंसिव है चीज़ें वही नहीं पूरी हो रही ना, और जो आप आजकल यूजर्स हो गए आप लोगों का पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो गया आपका ट्रैवल बंद हो गया, अगर ट्रैवल बंद हो गया तो आपका दैन आपका गवर्नमेंट हाउस का डॉक्टर पता मैं जो कि हर बंदे को पता चल गया, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक अनाउंस नहीं किया, तो उसकी वजह से यहाँ पे तो कोई स्कोप नहीं है। इफ़ यू वांट टू सस्टेन और आप एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली मूव करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो रोटी शोटी नैंडू से हमने खा लिया, जैसा चिकन आई डोंट थिंक के पूरे नॉर्थ में कोई बनाता हो, तो अगर तो आप लोग भी बेस्ट चिकन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप लोग नैंडूज आए, अखीर चिकन आएंगे। तो फाइनली चाय हो गई, आज की डिस्कशन भी हो गई, आई होप कि आप लोगों को आज का भी लोग अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।